भाई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं भाई। मेरे एक चीज समझ में नहीं आती यार, थार ले ली और ये भाई ना उसके बाद भी धक्के मार रहा है पीछे से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब भी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। लेकिन भाई गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नाइट हो रखी है। टाइम बताऊँ तो टाइम हो रखी है रात के 10:30। और भाई इस टाइम मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ स्पेशल है। और बहुत दिनों से भाई, लास्ट एक महीने से वीडियो नहीं आ रही है टाइम से, उस चीज़ के लिए भाई सॉरी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कल से रेगुलर हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन ट्रैवल सीरीज टाइम से आएगी। तो भाई ट्रैवल सीरीज का अगर मैंने नाम लिया है तो भाई मैं जा रहा हूँ अब मनाली, क्योंकि भाई मनाली में फाइनली स्नोफॉल हो चुका है 2024 का। तो भाई अब रुका नहीं गया, मतलब इतनी ज़्यादा रील्स दुनिया के स्टेटस देख लिए ना, तो कहीं ना मन में, और हम ट्रैवलर आदमी हैं तो कहीं ना दिल में किसी ना किसी कोने में ये रहता है यार चलो हम भी चलते हैं। तो भाई मैंने फ़ोन किया विनीत भाई को, और भाई ये भाई एक ऐसा भाई है मेरा जो ट्रिप के लिए रात को 2 बजे ही फ़ोन कर दूंगा ना कि भाई ट्रिप पे जाना है, पूछेगा कब जाना है, मैं भाई अभी निकलना ही नहीं तो जा रहे सुबह निकलेंगे, ये कहता है चल आ जा या मैं आ रहा हूँ। तो भाई इस बार एक भाई हो रहा हमारे साथ, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया भाई, फिर बर्फ देखनी है भाई? बिल्कुल। फिर भाई जाटे के लते तो लेके आए होंगे, -10 है कंबल गिर तो रखे हैं। अच्छा से लेके आ रखे। तो भाई ये देख लो हमने पूरा सारा का सारा सामान रख लिया, क्योंकि ठंड से भाई रिस्क नहीं ले सकते आदमी, गर्मियों में आदमी 1% ना रिस्क ले लेगा, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है दिल्ली में ठंड हो रखी है, ऊपर से मनाली में तो भाई जन्नत, तो हम भी थोड़े से जन्नत के मजे लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार विनीत भाई की थार है डीजल ऑटोमेटिक, मेरी वाली थार इसलिए नहीं क्योंकि वो महिंद्रा में सर्विस पर जा रखी है, और आज ही हमारा ट्रिप बना सुबह सुबह, लेकिन फाइनल होते होते भाई रात होगी, और अभी जस्ट मैं KMP पर चढ़ा हूँ। तो देखते हैं भाई क्या रहता है, कैसा माहौल है वहाँ का। और अभी मैंने एक हमारे वहाँ पे जानकार हैं जिस होटल में हम रुकते हैं उनसे मैंने बात करी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि मनाली से 19-20 किलोमीटर कौन सी जगह, नाम मैं भूल गया, कह रहे हैं कि वहाँ से आगे नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी 4x4 है और आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है उसमें हम एक्सपर्ट हैं तो आने भी दे सकते हैं। बाकी आप लोगों का अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ये लोग गाइस हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट जगह पे भाई, एक पावर नैप ले रहे हैं, और भाई देख थार और जुड़ चुकी है वो है PB नंबर। भाई आज भी देख लो, मतलब जब भी आता हूँ ना इधर, कभी भी भाई यहाँ पे इस धनुष में ना लाइट नहीं जलाती यार हरियाणा सरकार। भाई अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यार लाइट जला दिया करो, बहुत सुंदर लगता है। बाकी भाई हम पहुंच गए हैं, अंबाला क्रॉस हमने कर दिया है, अब हम हो जाएंगे मनाली के लिए लेफ्ट, शिमला के लिए राइट। लेकिन हमें भाई शिमला नहीं, हमें जाना है पहाड़ों की रानी मनाली। भाई इतना मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है ना मेरे में अभी कि है यस ब्रो। ये देखो भाई, भाई मैंने हिंदी में बोला, ब्रो ने बोला इंग्लिश में। अरे होगी नींद पूरी, सुबह खाऊं भाई? अरे रहने दे, एक घंटा हो लिया सोते भाई, तेना घंटे तो ऊपर हो लिया सोती आना। अरे खराटे मारने लग रहा था, मैंने वीडियो इसलिए ना बनाई, मैं चल यार मैं कद फिर नु कहेगा यार यार एक यार कतने वीडियो बनाने की, तेरे को पता है कि मैं कोई भी क्लिप डिलीट नहीं करूंगा, मैंने इसलिए ना बनाई, मैं यार फिर यो कहेगा कि डिलीट कर दे, और मैं भाई डिलीट करता नहीं, बिल्कुल रो व्लॉग होता भाई मेरा, आप सबको मालूम है क्यों। बिल्कुल भाई भाई, लेकिन एक चीज भाई अभी ठंड नहीं लग रही हमें। हाँ बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही ना। नहीं, नहीं भाई अभी नहीं लग रही। हाँ लेकिन लगेगी भाई जब लगेगी, जब ऐसी लगेगी घर याद आ रहा। अरे भाई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, हकीकत है स्पीड में हो ना ध्यान दे आदमी, भाई ब्लॉक भी यार कुछ भी, मतलब एकदम से ओवर स्पीड आदमी कर रखी हो भाई, हम ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन ध्यान से नजर रोड पे भाई, इतनी तो आदत होगी यार इनकी, हाथ घूम जाता है विनीत के ऊपर, एक्सपोज कर दूं तेरे को रहने दे यार भाई पार्टी स्टार्ट हो चुकी है सामने, लेकिन अंधेरा है ना तो अभी दिख नहीं रहे, लेकिन हमारा विनीत भाई इतना मजाकिया है कि भाई क्या कह रहा था, एग्जॉस्ट चला दे एग्जॉस्ट चला दे, कौन सा एग्जॉस्ट चला दे, फुल
कूल सिस्टम है ग्राफ है कौन सा इसमें ये तो बता दे वेल्वेट्रॉनिक है हैं रिमोट तो दिखाएगा इसमें भाई एग्जॉस्ट ये पता है क्या कह रहा है गाड़ी का मतलब कभी आप लोग सोचते हो कि भाई वेल्वेट्रॉनिक है ये वो भाई ना ना बोरला लगा हुआ है भाई इसका मानना है कि ये वाला एग्जॉस्ट यार कहां से तेरा दिमाग चलता है ऐसा ये बता दे बचपन से ही हाँ वो तो पता है बचपन से तो मतलब बचपन से ही ऐसा है सही है भाई सही है ना मिले तो खोज लो भाई देख लो टनल कितनी ज्यादा बन गई है मतलब स्वार घाट की चढ़ाई अब हमें जाना ही नहीं है डायरेक्ट सीधा जो आप ग्रीन टोल टैक्स आता है ना एक पर्ची कटती है हिमाचल में एंट्री करते हो आप जब तो उस जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो भाई दोबारा रोड ना नीचे जाके और आपको राइट लेना पड़ता था स्वार घाट की और इतने गंदे रास्ते रहे चढ़ाई इतनी गंदी थी और बिल्कुल स्टिप खड़ी चढ़ाई बिल्कुल मेरे ख्याल में हिमाचल की मतलब मनाली साइड की सबसे खड़ी चढ़ाई भाई स्वार घाट की थी यही थी लेकिन भाई अब देखो टनल भाई अपने नितिन गडकरी जी सल्यूट है मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के लिए तो भाई पहुंचा दिया इंडिया भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया इंडिया मतलब कनेक्टिविटी इतनी कर दी इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है आज के दिन इंडिया में कि आप सोच नहीं सकते पहले भाई मनाली आते टाइम कितना टाइम लगता था 13-14 घंटे और अब घर से चले हमें शायद 4-4.5 घंटे हुए और अभी भी टाइम दिखा रहा है 4 घंटे जिसमें से भाई एक बार भी हमने ओवर स्पीड नहीं करी 90-100 पे गाड़ी चलाई है तो भाई डीजल डलवा लेते हैं क्योंकि आगे का पता नहीं है क्यों भी नहीं थी बिल्कुल भाई भाई रिस्क नहीं ले सकते खैर अभी है आधी टंकी के लगभग तेल है लेकिन भाई है ना रिस्क नहीं ले सकते पहाड़ों पे आके क्योंकि भाई स्नोफॉल भी हो रखी है कभी डीजल मिले ना मिले भीड़ मिले और रास्ते बंद हो जाए तो हमें कई बार गाड़ी में भी सोना पड़ जाए क्यों उस्ताद सही कह रहे हैं बाकी यहाँ पे क्या रेट है डीजल का 8855 यार बराबर ही है दिल्ली और यहाँ में पहले तो सस्ता था 3-4 रुपये इससे पहले 5.9 था 4 रुपये सस्ता हुआ अच्छा अक्टूबर से दिसंबर तक यही था जनवरी से हुआ मैं अभी मई जून में आया था जब 4-5 रुपये सस्ता था मतलब दिल्ली में जैसे 89 है यहाँ पे मतलब था 84-85 के आसपास था अच्छा बीच में बड़े हैं है हाँ भाई काम आएगा ये देखते हैं भाई कितना तेल आएगा और कितनी गाड़ी चली एक बार माइलेज भी बता देंगे आपको डीजल थार की कि क्या एवरेज दे रही है और अभी टाइम हुआ है भाई टाइम कितना हो गया 5:30 हो गया ना 5:16 5:16 5:15 यार सही खींच दी हमने है अभी कितना दिखा रहा है 90 किलोमीटर रह गया मनाली 86 नहीं ऑटो कट 2600 रुपये थोड़ा और डाल दो 2700 कर दो एक काम करो अगर 3000 का आ जाए 3 का ही दलवा ले हाँ जितना आएगा उतना डाल दो तो गाइज अपनी गाड़ी चली है 435 किलोमीटर और अभी गाड़ी में डीजल आया है कितना है 30.30 लीटर तो भाई 435 को डिवाइड बाय 30 कितना है 4.9 तो गाइज अपनी जो गाड़ी की माइलेज है वो है 14.2 यार बढ़िया एवरेज है ठीक है है सही है और पूरे रास्ते गाड़ी का एसी भी ऑन रहा है एक बार ही बंद ही नहीं हुआ है हाँ एग्जॉस्ट के साथ एग्जॉस्ट ऑन है बंद मत करियो भाई एग्जॉस्ट यार मेरे को आवाज सुनने में मजा आता है एग्जॉस्ट की वों 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 वों। भाई जितना भी देख रहे हो ना ये सारा का सारा जो अभी गर्मियों में फ्लड आई थी ना मनाली में उसका नतीजा है मतलब पूरा तहस नहस कर रखा है और ये देखो स्नो पीक्स दिख गई है हमें और भाई टेम्परेचर अभी दिखा रहा है -2 और हमारा अभी गाड़ी से ना जस्ट 2 मिनट के लिए रुके थे एक बार कि गाड़ी को भाई थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए 2-4 मिनट का 2-4 साइने आ गए थे भाई भाई महिंद्रा थिंग्स क्या कर सकते हैं ओनली महिंद्रा ओनर जानता ये चीजें हाँ बाकी भाई ठंड कैसी है भाई बढ़िया है बिल्कुल भाई ब्लॉग में ना गाली नहीं देना चाहता बाकी समझ जाओ सब कुछ फटा हुआ है जाम फाड़ के बजाय भाई समझ जाओ कि विनीत भाई क्या कहना चाहते हैं
तो वही तो सब भी कहना चाहते हैं कि वही हो रखा है हमारे साथ जो विनीत भाई कह रहे हैं। और भाई येलो टोल आ गया है, ग्रीन टोल है, ग्रीन टैक्स। अरे क्या नजारे हैं भाई सुबह सुबह भाई, मजा आ जाएगा सनराइज जब देखेंगे भाई पहाड़ों का बर्फ में सनराइज देखने का ना मजा ही अलग है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। तो इसलिए आप भी भाई आओ, थोड़े बहुत इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, और जो हम देख पा रहे हैं वो आप भी देख कर जाओ। हमारी तैयार महीने ना ना भाई, अगर चाहो तो आ सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कितने शौकीन हो घूमने के लिए। बिल्कुल भाई, विनीत भाई जैसे हो या नहीं। हाँ भाई मेरे एक चीज समझ में नहीं आती यार, थार ले ली और ये भाई ना उसके बाद भी धक्के मार रहा है पीछे से। ओ भाई देख यो, एक 4x4 कनुए दे रखा है, एंगेज करना पड़ता है यार। किसी आदमी है 4x4 का धक्का मारने लग रहा है भाई। ले भाई लगाना है, लेना है। इससे ना पीछे ली जा रही ना आगे ली जा रही, बार बार ही बस गियर लगा रहा है। लगा दिया। अरे चाचा ले ले, क्योंकि नीचे ना कुदाया दे डर मेरा पट। अरे डर क्यों रहा है, दे फिर ब्रेक क्यों मार रहा है ये। तो भाई अपना इस तरीके का कुछ रूम पहले भी दिखा चुका हूँ पिछले साल। अरे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम कम बड़ो है। अरे सो हूँ ना कम बड़ा टाइम, क्या गलत काम चल रहा है, कम्बल हटाओ तुम है? तुम चिपक रहे थे अभी, चिपक रहे ये दो पा मेरे, ये दो पाई के रहे भाई। ठंड बताओ ना भाई, नहीं बता सकता इतनी गंदे वाली ठंड है। अभी अपने हाथ दिखाओ ना भाई, देख लो अब जाके नॉर्मल हो। बताना भाई है, कोई बताना मार्च तक। सही कह रहा है भाई, कोई भी बताना, अगर सिर्फ धप्पा करना आगे कि गाड़ी आपकी मनाली आई, दो चार फोटो उतारे और एक बार बर्फ में रिपटना पड़ना तो आ जाओ, पर 30 से 40 बार नहीं। और अगले दिन अपने क्या करना है, घर। तो अभी हमारा प्लान क्या है, हमारा तो भाई 3-4 दिन रुकने का है। ये बता, न्यू टेंशन हो रही है, चढ़ते गए उतरेंगे ऊपर, उतरती आना सीधा ही पड़ते जाए नीचे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई ये डुप्लेक्स है, ऊपर भी एक कमरा है और एक अपना यहाँ पे। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो पता होगा आपको है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद भाई आप लोगों को बाहर का भी दिखा देंगे। खैर अभी धूप निकल चुकी है, तेज धूप निकली है और हम में से तीनों में से एक भी चश्मा नहीं लेके आया भाई, आँख पे इतना गंदा इफेक्ट आने वाला है ना, मतलब चौंध आ जाएंगी आँख। मेरी तो पहले कमजोर है, पहले इतना दूर का ना दिखे, इतना नजदीक का ना दिखे। हो गया चेतक तेरी गेल।